नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, अभी इस वीडियो में हम बताने वाले MI लाइफस्टाइल के बारे में दोस्तों, जो कंपनी कहती है कि हम इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल है। आज हम उस कंपनी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर माइनस पॉइंट कौन से हैं। दोस्तों हर फील्ड के अंदर, हर किसी चीज के अंदर कुछ ना कुछ प्लस और माइनस भी होते हैं, पर एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर सिर्फ अपने गुणगान करते हैं, सिर्फ अपने पॉजिटिव पॉइंट ही बताते हैं, नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं बताता। तो यहां पर आज हम MI लाइफस्टाइल के बारे में आपको नेगेटिव पॉइंट, तीन ऐसे नेगेटिव पॉइंट बताने वाले जिससे आपके पैरों के नीचे से ना जमीन खिसकने वाली। दोस्तों आपको एक्चुअल में लगेगा कि ये कैसे आपने तीन ऐसे नेगेटिव पॉइंट बता दिए। दोस्तों अगर आप ज्वाइन करने वाले हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये कंपनी हमें ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जन्म कब हुआ, मतलब कि इसके बेसिक पॉइंट जानते हैं। इसकी शुरुआत अगस्त 2013 में हुई थी। बताया गया है कि MI लाइफस्टाइल MCA से भी रजिस्टर है और ये बताया गया है कि ये चेन्नई तमिलनाडु से रजिस्टर हुई है, मतलब कि ये कंपनी चेन्नई तमिलनाडु में एक्चुअल में क्रिएट हुई थी। तो दोस्तों एक बार हम इस इनकम प्लान के बारे में बातचीत करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसका इनकम प्लान क्या है। यहां पर बताया गया दोस्तों इसमें टोटल 9 प्रकार की इनकम है, जैसे कि हम यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रिटेल प्रॉफिट इनकम है, सेल प्रॉफिट इनकम है, परफॉर्मेंस बोनस है, रैंक इनकम है, लॉयल्टी बोनस है, ओवर ईडिंग बोनस है, रॉयल्टी बोनस है, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, नॉमिनेशन फैकल्टी। दोस्तों ये बताया गया 9 प्रकार की टोटल इनकम है। अब हम दोस्तों जिसके बारे में आपने ये वीडियो को क्लिक करा है, अब हम देखते हैं वो तीन पॉइंट ऐसे कौन से जिससे एक्चुअल में आपको पता लगने वाला है इस कंपनी की सच्चाई। इस कंपनी के लिए सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि इस कंपनी के जो लीडर है वो जगह जगह पर स्टोर खोलने के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। वो लोगों को ना, मतलब कि प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर खोलूं तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनकी इनकम बन पाएगी। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो घर के आसपास के जितने भी MI लाइफस्टाइल के जितने भी स्टोर खुले हुए हैं दोस्तों, वो यही कहते मिलते हैं कि जगह जगह पर स्टोर खुले हुए हैं और उनका बिजनेस नहीं चल रहा। दोस्तों मक्खी भी उनके स्टोर पर नहीं आ रही है। अगर आप उनकी हालत देखेंगे ना, जगह जगह पर खुला हुआ है। एक छोटी किराने की दुकान है, वहाँ पर भी MI लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट रखे हुए हैं दोस्तों जगह जगह पर, ठीक है। एक डॉक्टर की दुकान देख लो, वहाँ पर भी MI लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, पर वो बिकते ही नहीं दोस्तों। एक साल पहले भी उतने ही प्रोडक्ट थे, आज जाएंगे तो आज भी उतने प्रोडक्ट है। तो सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है। मैं सभी लीडर से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लीडर हैं भाई साहब, ऐसा मत करें। आप अपने लालच के लिए, आप अपनी इनकम के लिए जगह जगह पर स्टोर मत खोल लें। इससे एक्चुअल में होता है कि इससे पूरी मार्केट खराब होती है, ठीक है। कंपनियाँ सारी सही हैं पर उसके जो लीडर होते हैं ना, वही खराब होते हैं, वही धोखेबाज होते हैं और वही इस तरह के सिस्टम क्रिएट करके ना पूरी की पूरी मार्केट खराब कर देते हैं। दोस्तों हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है। दूसरे पॉइंट के बारे में बातचीत करें दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इनकम बहुत कम है। अगर आपको यहाँ पर अपनी इनकम क्रिएट करनी है ना, तो आपको यहाँ पर मरीज लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिसके हाथ पैर में कोई दिक्कत है, किडनी में कोई दिक्कत है, लीवर में कोई दिक्कत है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है, हार्ट पेशेंट है, तो आपको वहाँ पर मरीजों को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके आसपास लोग, ठीक है, मुरझाए हुए लोग नहीं रहते हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस नहीं चलने वाला भाई साहब। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा। अगर आपका डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आपका डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। पर डॉक्टर कौन सा दोस्तों, झोला छाप डॉक्टर, ठीक है। अगर आपका झोला छाप डॉक्टर बनने में एक्चुअल में इंटरेस्ट है, आप घरों में जाना चाहते हैं, आप खुंडी खड़का खड़का के लोगों के घरों में जाना चाहते हैं, एक एक प्रोडक्ट देना चाहते हैं दोस्तों, 20-30 रुपए कमाना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये तीन पॉइंट थे एक्चुअल में जो MI लाइफस्टाइल में ये वाले पॉइंट है जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। मेरा काम ही दोस्तों ये है इस चैनल के ऊपर हर कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट बताऊं, ताकि जो लोग एक्चुअल में हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझकर, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है, वो ज्वाइन करें या ना करें। मेरा काम था बताना, आपका काम है ज्वाइन करना या नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और नेगेटिव कमेंट मत करना दोस्तों, क्योंकि हमारा काम है
टीचर का काम होता है सिखाना, और वो आपके ऊपर है कि किस तरह सीखना चाहते हैं। सही और गलत बताना मेरा काम था, ठीक है। तो दोस्तों मिलते दोस्तों।